हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें बताई गई है वो ट्रू है या फॉल्स हैं, और अगर फॉल्स हैं तो हमें उसका जस्टिफिकेशन भी देना है, हमें जस्टिफाई रीज़न देना है उनका क्यों। तो फर्स्ट है हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमने 1.1 में और इंट्रो जो हमारा था, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था, उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो भी रियल नंबर्स हैं उनमें रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। यानी कि जो रियल नंबर किससे बने होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल से। तो इरेशनल नंबर किससे बने हैं? रियल नंबर से ही बने हैं ना। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर। और जितने रैशनल नंबर हैं वो भी सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर। लेकिन अगर इसका रिवर्स, इसका अपोजिट पूछे कि क्या सारे रियल नंबर रैशनल होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर सारे ही रियल नंबर इरेशनल होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, लेकिन रैशनल सारे के सारे क्या होंगे? रियल होंगे। यानी कि जिन्हें भी हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारे कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल भी सारे रियल होंगे, इरेशनल भी सारे के सारे रियल होंगे। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि सभी के सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। सो इसका जस्टिफिकेशन हम क्या राइट करेंगे? पहले तो हम राइट करेंगे ट्रू, उसके बाद जस्टिफिकेशन इसका राइट करेंगे हम। एवरी रियल नंबर कंटेन की रियल नंबर बोथ रैशनल और एंड इरेशनल नंबर। कि सभी रियल नंबर में क्या क्या रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों के दोनों आते हैं। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि एवरी पॉइंट, अब नंबर लाइन आपको पता है उस पर एवरी पॉइंट, यानी कि जो नेगेटिव है -3 -2 -1 और जो 0 है और जो पॉजिटिव नंबर है। तो नंबर लाइन की बात हुई है, नंबर लाइन का नाम सुनते ही माइंड में इमेज आ जाती है नंबर लाइन की, कि नेगेटिव पॉजिटिव और 0। कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, कि जितने भी पॉइंट्स हैं ना नंबर लाइन पे वो सारे इस फॉर्म में होते हैं रूट एम, और एम जो क्या है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, और जहाँ एम जो है ना वो नेचुरल नंबर है। और आपको पता है नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। तो नेचुरल नंबर में ना ही जीरो आता ना ही नेगेटिव वाले आते, लेकिन नंबर लाइन पे तो भाई नेगेटिव भी हैं और ज़ीरो भी हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन पे वो सारे के सारे रूट एम की फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। और जस्टिफिकेशन क्या देंगे? ऑल रियल नंबर्स, यानी कि जो -4 ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन बट आर नोट द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी कि जो ये नेगेटिव वाले नंबर हैं वो भी नंबर लाइन पे होते हैं, लेकिन ये किसी का स्क्वेयर रूट नहीं होते, इस फॉर्म में ये नहीं होते। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी जस्टिफाई से कर सकते हो। थर्ड देखिए, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले का अपोजिट आया कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। अगर सारे रियल नंबर इरेशनल हो गए भाई तो रैशनल नंबर को कौन पूछेगा? तो रियल नंबर में तो रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, तो रैशनल वालों को हम इरेशनल तो नहीं कह सकते। तो सारे के सारे रियल नंबर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल, यानी कि कुछ उसमें से क्या होते हैं रैशनल और कुछ क्या होते हैं इरेशनल। तो अब सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल तो नहीं हो सकते। तो हमारा थर्ड का आंसर भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? ऑल रैशनल नंबर्स आर
विच आर रियल नंबर्स बट नोट द इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होंगे लेकिन वो इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकते। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन आ जाएगा थर्ड पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वेयर रूट क्या वो इरेशनल होता है? इफ़ नोट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ नंबर डैट इज़ ए रैशनल नंबर। तो हमने एक एग्जाम्पल देके इसे शो करना है कि किसी भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम स्क्वेयर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नहीं होता। तो किस टाइप से इसे हम प्रूव करेंगे? तो फर्स्टली इसने क्या कहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वेयर रूट होते हैं क्या वो सभी इरेशनल होते हैं? अब पॉजिटिव इंटीजर तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसा कि 4 ले लिया, अंडर द रूट हमने इसे 4 किया है तो ये रूट में वैल्यू है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो क्या जो 2 है इसे हम इरेशनल तो नहीं कह सकते? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में भी होते हैं और जो कैसे होते हैं, प्राइम नंबर, जैसे कि यहाँ आ जाए 5 या फिर यहाँ आ जाए 3 या फिर यहाँ आ जाए 11, ये हमारे नंबर होते हैं इरेशनल। अब यहाँ रूट में 4 आ गया तो ये तो हमें 2 दे रहा है यहाँ, तो इसे हम इरेशनल नहीं कह सकते। अगर यहाँ आ जाए 36 तो ये हमारा हो जाएगा 6 जब इसे सोल्व करेंगे, तो इसे भी हम इरेशनल नहीं कह सकते। अगर यहाँ आ जाए 49 तो ये हमें क्या देगा, 7, तो इसे भी हम क्या नहीं कह सकते, इरेशनल। तो जो इनकी फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा नो। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ नोट, अब नो तो हमने बता दिया क्योंकि हमने यहाँ बताया कि अगर हम रूट में 4 ले रहे हैं, रूट 36 ले रहे हैं, रूट 49 ले रहे हैं तो वो हमें सोल्व करके दे रहा है, ठीक है। इफ़ नोट, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि सभी के सभी जो ये हैं इरेशनल नहीं होते हैं जो भी रूट में होते हैं। इफ़ नोट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। तो हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि 36 है तो यहाँ हम राइट कर देते हैं 36, तो ये हमें क्या है 6, यहाँ पे हम राइट करें 49 किसका है यहाँ 7, कोई भी आप राइट कर सकते हो, 121 हो गया, ये आ जाएगा हमारा 11 का, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमने इनको बता दिया है कि यहाँ जो इतने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका अगर हम स्क्वेयर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा नो, स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि हमने रूट 2 को शो किया था नंबर लाइन पे, इसी टाइप से हमें रूट 5 को शो करना है। तो देखते जाते हैं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले रूट 2 फिर रूट 3 फिर रूट 4। देखिए यहाँ आपको दिखाया भी गया है इस टाइप से, यहाँ रूट 2 ये फिर रूट 3 आ गया, फिर रूट 4 आ जाएगा, इस टाइप से रूट 5 आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इसे हम बनाएंगे। तो रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए पहले हम यहाँ कंसेप्ट देख लेते हैं। जो हमारी नंबर लाइन है यहाँ 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 टाइप से हमारी जो ये नंबर लाइन है, तो हमें शो करना है रूट 5। तो रूट 5 को शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, एक जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ एक 90 डिग्री यानी एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके जो सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, और जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और इसे हम क्या कहेंगे, बेस। इसे अगर मैं नेम दे रही हूँ ए बी सी, तो ए सी हमारा बेस हो जाएगा और ए बी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमें इसी का यूज़ करना है हमें रूट 5 को शो करने में। तो हम हाइपोटेनियस का स्क्वेयर क्या राइट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, ये हम राइट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम स्क्वेयर रिमूव करेंगे तो एच के आ जाएगा अंडर द रूट पी स्क्वेयर प्लस
बी स्क्वेयर यही आ जाएगा। तो हमारे पास अब देखिए गिवन है रूट फाइव, तो रूट फाइव को हम किस टाइप से राइट कर सकते हैं, इस फॉर्म में बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हम यहाँ राइट कर सकते हैं, वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर, क्योंकि टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर, फोर प्लस वन क्या हो जाएगा फाइव, यही हो जाएगा। ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस, इस टाइप से हम इसे राइट कर सकते हैं। तो ये वन का स्क्वेयर, ये हो जाएगा टू का स्क्वेयर, कर सकते हैं ऐसे राइट हम। तो वन का स्क्वेयर वन, टू का स्क्वेयर फोर, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ रूट फाइव। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ रूट फाइव है। तो हमें रूट फाइव को ही क्या करना है नंबर लाइन पर शो करना है। तो हमें क्या किया रूट फाइव को इस फॉर्म में राइट किया है ताकि हम नंबर लाइन पे इसे शो कर सके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सके, बेस ड्रॉ कर सके, और तब जो हमारा हाइपोटेनियस है रूट फाइव उसे हम शो कर सकें। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है ये, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और हमें किस टाइप से इसे राइट किया है पी स्क्वेयर यानी कि वन स्क्वेयर और बी स्क्वेयर यानी कि टू स्क्वेयर, हमने रूट फाइव को इस टाइप से राइट किया है। तो रूट फाइव को हमने वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर राइट किया है, तो रूट फाइव भी राइट कर सकते हैं या फिर इस टाइप से, टू टू ज़ा फोर प्लस वन क्या हो जाएगा फाइव, इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी बेस, बेस की वैल्यू आई है हमारी टू, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है हमारी वन आई है। आपको ध्यान रखना है बेस हमें कितना लेना है टू यूनिट लेना है, और परपेंडिकुलर हमें कितना लेना है वन। बेस आ गया हमारा टू, परपेंडिकुलर आ गया हमारा वन। तो हम क्या कर रहे हैं अब नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर लाइन में यहाँ देखिए कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है, तो हम यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर इस टाइप से। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर वन, वन सेंटीमीटर हमें ज़ीरो पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आप कंपास की जो है हेल्प से भी इसे बना सकते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से भी, किसी टाइप से आपको 90 डिग्री का एंगल जो है बनाना है ज़ीरो पर, और वन सेंटीमीटर होना चाहिए आपको स्केल से मेज़र करके वन सेंटीमीटर। सपोज दैट यहाँ वन सेंटीमीटर आ रहा है, तो वन सेंटीमीटर आपको मेज़र करना है। उसके बाद बेस है हमारा टू, यानी कि ज़ीरो से वन, वन सेंटीमीटर, वन से टू, फिर वन सेंटीमीटर, यानी कि टोटल यहाँ हो गया टू सेंटीमीटर। तो ये टू सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हमें क्या करना है जॉइन करना है, क्योंकि ये हम, ये हमारा क्या है बेस है टू सेंटीमीटर या फिर टू यूनिट हम कहेंगे, इसे हमने ले लिया, और ये वन परपेंडिकुलर, और ये हमने लिया है बेस। ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर लिया है और ये बेस, तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, अगर आप देखें तो यहाँ ये ज़ीरो टू, और यहाँ अगर हम कोई भी नेम दे दें एम, तो ज़ीरो टू और ये एम, तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है बेस, तो ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, तो ये टू, ये वन, टू का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर यानी कि फाइव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा रूट फाइव, लेकिन ये रूट फाइव तो नंबर लाइन पर तो नहीं आया, ये तो इस टाइप से आया है, हमें नंबर लाइन पर इसे शो करना है। अब इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो आपकी कंपास है, जो प्रकार है, उसे ये जो पॉइंट हमने लिया था M और इसे मैं ले रही हूँ N, तो MN इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको अपनी कंपास को ओपन करना है इस टाइप से। इतनी ओपन करोगे आप जो MN है, फिर इसे रखोगे O पॉइंट पर, O पॉइंट पर रखने के बाद इसे इस टाइप से यहाँ आर्क लगाओगे। जितनी ओपन है आपको उसे मूव नहीं करना, जितना मेजर ये हाइपोटेनियस है आपको O से वहीं पे क्या करना है कट करना है, आर्क लगाओगे यहाँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रूट फाइव। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने डायरेक्टली इसमें रूट फाइव को शो कर दिया।